हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर अभिषेक ने लगाई मनीषा को डांट। कहा, क्या नहीं है तुझे अकल, कहीं भी कुछ भी करती है। क्या हुआ है ऐसा और क्यों अभिषेक ने जताया अपना हक एक बार फिर से मनीषा रानी पर, चलिए हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर मनीषा रानी जैसे ही नहाकर निकली, वैसे ही बिग बॉस एरिया ने लगेज रूम को बंद कर दिया और बिग बॉस ने ऐलान कर दिया कि अब लगेज एरिया बंद हो रहा है, आप सब लिविंग एरिया में चले जाएं। और ऐसे में मनीषा रानी तैयार नहीं हो पाई और वो आकर लिविंग एरिया में ही तैयार होने लगी, डाइनिंग टेबल के पास। उस समय फुकरा बैठकर खाना खा रहा था और यहाँ पर फुकरे ने जैसे ही देखा कि मनीषा ने अपने गीले बालों पर टॉवल बांधा हुआ है और वहीं पर मेकअप कर रही है, तो अभिषेक को गुस्सा आ गया क्योंकि मनीषा अपना टॉप ठीक कर रही थी सबके सामने। और ऐसे में अभिषेक ने बोला कि मनीषा, देखो सच में अक्ल नहीं है ना, कहाँ पर क्या करना होता है, जा साइड में जा और वहाँ पर ठीक कर। देखो मैंने इतनी बार समझाया है फिर भी तू नहीं समझती, तुझे पता नहीं है यहाँ पर हर तरफ तो कैमराज हैं और उसके बावजूद भी तू यहाँ पर ऐसे आ गई। ऐसे में मनीषा चुप हो गई और उसने अभिषेक को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो साइड में जाकर अपने कपड़ों को ठीक करने लगी और मेकअप करने लगी। ऐसे में यहाँ पर एल्विश ने अभिषेक को बोला, भाई तू तो सच में बहुत ही चिंता करता है इस लड़की की, मतलब पूरी नज़र, तेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन पूरे दिन इस मनीषा पर ही रहता है। अभिषेक ने कहा, हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए, और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी कंट्रोवर्सी इस घर में जुड़े क्योंकि वो बहुत सिंपल और बहुत सीधी है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस पर हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।